नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम सर्दी जुखाम की होम रेमेडी जानने वाले हैं। काफी आसान रेमेडी है, आप आसानी से कर सकते हैं। सर्दी जुखाम मौसम में बदलाव होने के साथ ही शुरू हो जाता है और ये साल में एक दो बार सभी को होता है। जब भी जुखाम होता है तो हमें बुखार आना शुरू हो जाता है, साथ ही आंखें जो है वो बहना शुरू हो जाती है, नाक बहना शुरू हो जाती है, हाथ पांव में दर्द होना शुरू हो जाता है। सर्दी जुखाम की काफी आसान रेमेडी हमारे घर में मौजूद होती है। अगर आप इसे करते हैं तो 70-80% मामलों में आपका जुखाम जो है वो खत्म हो जाता है। इस रेमेडी को जब भी करें आप एक बात का ध्यान रखें कि जब भी आपको जुखाम आए या फिर उसके लक्षण दिखाई दे तो आप इस रेमेडी को एक दो बार दिन में कर दें, उससे क्या है कि जुखाम जल्दी से खत्म हो जाएगा। तो चलिए काफी आसान है, जान लेते हैं। आपको क्या करना है, 1 कप के लगभग पानी लेना है और उसमें अदरक डालना है। अदरक आपको उतनी मात्रा डालनी है जितनी कि आप 1 कप चाय में डालकर पीते हैं। और उस अदरक को यानी कि उस पानी को अच्छे से उबालना है। उबालने के बाद अब इस पानी में आपको 1 चम्मच शहद मिलाना है। शहद हमारे गले के लिए काफी बढ़िया होता है और जुखाम में ये गला साफ करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब इसमें आपको क्या करना है, 1/4 चम्मच या फिर आपकी आवश्यकता अनुसार इसमें आप हल्दी मिला दें। और जब भी जुखाम हो उस समय आप इस चाय को धीरे धीरे करके आपको पीना है। दोस्तों दिन में 1 से 2 बार ये प्रयोग करें, 1 से 2 दिन में ही आपका जुखाम जो है खत्म हो जाएगा। आपको किसी भी प्रकार की एलोपैथी दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इसके बाद भी जुखाम जारी रहता है तो आप डॉक्टर को जरूर दिखा दें, क्योंकि बहुत सारी मौसमी बीमारियों के संकेत जो है वो जुखाम से ही शुरू होते हैं। तो प्राथमिक उपचार के तौर पर आप इसे कर सकते हैं। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।